ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली अब राममय होने जा रही है। आगामी 3 अक्टूबर से रामलीलाएं शुरू हो रही हैं। रामलीला कमेटियों ने रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन कर तैयारियां तेजी के साथ शुरू कर दी हैं। दिल्ली के सबसे बड़ी और भव्य रामलीलाओं में शुमार अशोक विहार रामलीला कमेटी ने भी भूमि पूजन समारोह पूर्वक सम्पन्न कर लिया। इस वर्ष भी भूमि पूजन प्रमुख समाज सेवी सुरेंद्र पाल गुप्ता के कर कमलों द्वारा किया गया। रविवार को हुए समारोह में हवन पूजन और पूरे विधि विधान के साथ हुए इस भूमि पूजन समारोह में अशोक विहार की प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और जन प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। रामलीला कमेटी ने मंच से सभी का स्वागत पूरे मन से किया। अनिल गुप्ता घी वाले और प्रमोद कोहली की नजर हर उस शख्स पर थी जो उनके लिए आदरणीय था। सभी नाम मंच से लेकर सभी को सम्मानित किया जा रहा था। मंच से प्रमुख लोगों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और तारीफ की। हम लीला तो वही दिखाते हैं, वही मात्र, वही शब्द, वही लीला, लेकिन वो हम इसलिए दिखाते कि हमारे बच्चों को प्रभु राम की चरित्र, प्रभु राम की लीलाएं वो उनको याद रहें और उनके आदर्शों पर हम चलें। बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं, राममय वातावरण में रहें, चाहे घर हो, चाहे व्यापार हो, चाहे लीला स्थल हो, चाहे समाज। राम के इस आदर्श को याद करते हुए इस रामलीला के भूमि पूजन की शुरुआत करें कि आज हम संकल्प लेते हैं कि किसी भी मुसीबत में ये हिंदू समाज एक होकर जवाब देने की स्थिति में आएगा। आज के दिन सुरेंद्र पाल जी ने इसका भूमि पूजन का शुभारंभ किया है और मेरे संरक्षक सदा के जो मेरी लगातार चिंता करते हैं श्री बृजमोहन जी भी यहाँ पर हैं। मैं दोनों के चरणों में नमन करता हूँ और अपनी बात का समापन करता हूँ। जय श्री राम। हिंदुओं के लिए जो भी हम कर सकते हैं पूरी ताकत से, हिंदू जगेगा, देश जगेगा। अब चुनाव भी आ रहे हैं, जो यहाँ ऐसे आतंकवादी टाइप के लोग बैठे हैं मुख्यमंत्री, उनको हटाने का भी आपके पास दिसंबर जनवरी में मौका है। भूमि पूजन और स्वागत सत्कार के साथ यहां लोगों ने सांस्कृतिक आयोजन का भी आनंद लिया। रामलीला के कलाकारों ने भी अपनी संवाद अदायगी का शानदार नमूना पेश किया। प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा, दशरथ के यहां राम बनकर अति शीघ्र भूतल पर आऊंगा, अति शीघ्र भूतल पर आऊंगा, अति शीघ्र भूतल पर आऊंगा। किम करूं बखान, अरे मम भुजवल जग में विदित महाभरी सरसार, ज्ञान की ओ कैलाश को कहा धनुष की बात। जो मैंने स्वप्न में भी ऐसा विचारा हो। बस बस लक्ष्मण, अधिक बातें ना बनाओ, खोट है मन में तुम्हारे, सोचते हो पाप की। नहीं माते, मन को बहलाने को बस मीठी रसी की बात। नहीं माते, नहीं। इस मौके पर रामलीला कमेटी से जुड़े प्रमुख लोगों ने कहा कि इस वर्ष भी रामलीला पहले से बेहतर और भव्य होगी, कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। प्रयास करता हूँ कि हमारी लीला का मंचन पूरे अशोक विहार में नहीं, पूरे देश विदेश के अंदर सबसे अच्छा हो और इसके अंदर लोगों को एक एक मार्गदर्शन ऐसा मिले जिससे कि उनको
राममय जीवन की सारी बातों का उनको मालूम पड़े। देखिए इस बार हम इसके अंदर कुछ ना कुछ नई चीज जरूर लाएंगे, जैसे हमने मंच का थोड़ा बदलाव किया है, ऐसे LED का बड़ा बदलाव किया है, ऐसे बहुत चीजों का किया है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नई नई चीजें जरूर लेके आए। मैं सब बढ़िया हूँ, श्री राम जी की कृपा है और अब मैं रामलीला कमेटी के महामंत्री के रूप में शामिल हुआ हूँ और अनिल जी गुप्ता जी और ललित गर्ग जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस पद से सुशोभित किया और मुझे एक जिम्मेदारी दी है जो मैं बखूबी निभाऊंगा और आज तक भी निभाते आए हैं और इस बारी लीला का हम स्तर और ऊपर लेके जाएंगे, राम की नगरी बनाएंगे, ये हमारा वादा है। अशोक विहार में सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की भरमार है, लेकिन ये खूबी भी है कि ऐसे आयोजनों में सभी एक साथ नजर आते हैं, फिर चाहे वह सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हों या सियासी दलों से जुड़े नेता, सभी की भागीदारी यहाँ बड़ी तादाद में नजर आई। यहाँ भी सभी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सब लोग बोलते हैं कि राम तो हम बन जाएंगे, मगर सीता का करेक्टर किसी को भी नहीं पता, तो अपनी घर की जो बहन और बेटियां हैं सबको सीता जी के भी बारे में बताएं, कैकी के बारे में भी बताएं, दशरथ जी के बारे में भी बताएं और राम के बारे में बताएं। और यहाँ पे जितने भी मेरे भाई और मेरे बुजुर्गन बैठे हैं सब आपका आशीर्वाद है और आप सबका ये आशीर्वाद हमारी इस रामलीला पे बना रहे है और आप सब मेरे को इतना मान सम्मान देते हो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे परिवार की तरफ से पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं एक बार नहीं कई बार आऊंगा, ललित गर्ग जी से उनकी बात करवाई थी, आपकी भी हुई, उनसे भी कराई कि चिंता मत करो, करो चाहे जितना डीडीए जो मर्जी करे, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगले साल के लिए जो छोटी छोटी बाधाएं भी है ये सभी समाप्त होंगी, ये आश्वासन सांसद जी ने अनिल जी को दिया था और हमें भी ये बोला था। तो मेरा अनिल जी को, सभी रामलीलाओं को और सभी लोगों को सांसद जी की तरफ से ये आश्वासन है कि जहां वो, क्योंकि आप लोगों के वोट से ही और आप लोगों के मत से ही वो जीते हैं, तो उनका ये कहना है कि जहां आप खड़े करोगे वो वहां हर समय खड़े मिलेंगे और किसी भी तरह की बाधा रामलीला में नहीं आने देंगे। धन्यवाद। पिछले वर्ष की अपेक्षा में कुछ ना कुछ सुंदरता और बढ़ोतरी इसमें हमेशा दिखाई देती है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले 15 दिन रामलीला के जो हमारे रहेंगे वो सब लोग बहुत ही आनंद लेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ना कुछ काम करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं तो मैं भी उसी वट वृक्ष का एक पौधा तो मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ। केवल इतना ही कह सकता हूँ कि प्रभु राम की लीला के मंचन में अगर मैं कोई भी योगदान जो दे सकता हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। जिस प्रकार से सेवा पहले भी हम करते रहे हैं, आगे और अधिक बढ़ चढ़कर हम लोग सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तो हमें अपने काम में लग जाना चाहिए, जो हमारी धर्मचंद्र की ड्यूटी है, जो बिजली का काम दिख रहा है, कोई झूले का काम दिख रहा है, वो सब कामों के अंदर जुड़ जाए। इधर उधर की बातें करनी हम बंद करें, बहुत हो गया, क्योंकि कुछ बातें अनसुनी होती हैं, कुछ कहती होती हैं, उसमें हमें जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इतना ही मेरा कहना है, एक बार सुने, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में 3 अक्टूबर से रामलीलाएं शुरू हो रही हैं। अशोक विहार में एक दिन पहले मंच से बाबा खाटू श्याम का संकीर्तन होगा। इस रामलीला में दशहरे की विशाल शोभा यात्रा खास आकर्षण का केंद्र होती है। इस रामलीला को राष्ट्रीय चैनल APTV भारत और दिल्ली दर्पण TV पर हजारों लोग लाइव देखते हैं। रामलीला की तैयारियों से लेकर रामलीला के हर रंग आप तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन राज के साथ पूनम कोरी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।